डाडा सिब्बा में गुरुवार को समाज सेवी मुकेश ठाकुर द्वारा आयोजित शक्ति प्रदर्शन जन आशीर्वाद महारैली में हजारों की तादाद में भीड़ देखी गई, जबकि मुकेश ठाकुर की इस महारैली में प्रदेश कांग्रेस सचिव संजीव कालिया व महासचिव प्रदेश कांग्रेस विक्रम सिंह डिक्की आदि कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अलावा जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र भर के भिन्न भिन्न इलाकों से हजारों लोगों ने अपनी हाजिरी भरी। वहीं इस दौरान युवा नेता मुकेश ने आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ने की ताल ठोकते हुए कहा कि आप मुझे विधायक बनाओ, मैं आम जनता का नौकर बनकर काम करूंगा। वहीं इस दौरान मुकेश ठाकुर ने 100 से ज़्यादा युवाओं को जहां क्रिकेट किटें अपनी ओर से बांटी, तो वहीं इस दौरान 250 से ज़्यादा गरीब महिलाओं को घर बैठे रोजगार कमाने हेतु सिलाई मशीन बांटी गई। इस जनसभा में हजारों लोगों के सामने समाज सेवी मुकेश ठाकुर ने शक्ति प्रदर्शन कर जसवा परागपुर में सियासी पारे को एक बार फिर गहमा दिया है। आज जनसलाब उमड़ा है आपके समर्थन में, क्या कहेंगे डाटा सेवा में? जी आज मेरे को अपनी माता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी इनका, जी बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अब जो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, किस तरह देख रहे हैं, कितना समर्थन को जो आपको मिल रहा है आज? बहुत ज्यादा समर्थन मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और अगर मेरे को पार्टी का टिकट देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट डालूंगा। आजाद प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे? कांग्रेस पार्टी की टिकट अप्लाई की हुई है और कांग्रेस की टिकट के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेंगे, अगर मिलती है तो हम जीत हासिल करेंगे। आपने कहा जनता को नौकर बनकर काम करेंगे, इस तरह देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, नेते नौकरी होते हैं पर नेते ऊपर बैठ जाते हैं, जनता के ऊपर बैठ जाते हैं। ये जनता का जो विधायक होता है वो जनता का नौकर होता है, वो काम करवाता है जाके दफ्तरों में करवाता है, पर ऐसा नहीं होता है कि जनता भटकती रहती है दफ्तरों में भटकती रहती है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर जनता हमें विधायक बनाती है तो हम उनके नौकर बन के दफ्तरों में उनके काम करवाएंगे। जी मुकेश जी, इशारा किस तरह रहेगा अगर आपको टिकट मिलती है तो? हाँ जी, मुकाबला जो है उद्योग मंत्री के साथ है, तो किस तरह देख रहे हैं आप मुकाबला? देखते हैं कौन आता है मुकाबला। और मेरे को तो लगता है कि जिस हिसाब से ये जनसभा हुई है उस हिसाब से एक तरफा ही मुकाबला होगा, किसी से मुकाबला नहीं हुआ, एक तरफा ही जीत होगी। जसवा परागपुर में समाज सेवी काफी हैं, आप भी समाज सेवी, क्या किस तरह देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर जितने ज्यादा समाज सेवी होंगे उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, हम तो चाहते हैं कि और समाज सेवी हों जसवा परागपुर में, जितने ज्यादा समाज सेवी होंगे उतने ज्यादा जसवा परागपुर तरक्की करेगा। मुकेश जी, इशारा किसकी तरफ है? इशारा किसी की तरफ? इशारा है तो हिमाचल में कांग्रेस है, कांग्रेस आएगी, वो इशारा है। ठीक है मुकेश जी जो अगर बात करी जाए, आपने घोषणाएं की हैं, उनको अगर आप विधायक चुनकर आते तो कितनी जल्दी अमलीजामा बनाया जाएगा उनको? जो इंडस्ट्री एरिया में हमने अप्लाई की है वो तो हमें आज ही अगर जमीन मिल जाती है तो वहाँ कल से काम लगा देंगे। और बाकी जो मैंने गौशाला की और इसकी हॉस्पिटल की बात की है, जैसे हमें कोई जमीन प्रोवाइड होती है मिलती है, हमें जमीन खरीदते हैं उसकी लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे हमें मिलती है तो हम वहाँ काम लगाएंगे और जनता को इसका लाभ मिलेगा। आपके जो मंच है उसमें मैक्सिमम कांग्रेस के नेता जो है वो शामिल है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या बोले? आपके जो मंच था उसमें मैक्सिमम कांग्रेस के नेता शामिल थे। तो ये रैली कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के नेता क्यों नहीं होंगे, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की हुई है और कांग्रेस के नेता ये मेरे बड़े भाई डिक्की जी हैं, हिमाचल के महासचिव हैं, ये कालिया जी हैं, सभी कांग्रेसी ये भाई हमारे कांग्रेस भाई हैं। और मेरे से प्यार करते हैं तो आए हुए हैं यहाँ पे। मुकेश जी आपने भगवा टोपी लगा रखी है सभी ने, भगवा टोपी तो क्या, इसे मुकेश टोपी कहा जाए अभी? नहीं, ये भगवा टोपी नहीं है, समाज सेवा की टोपी है जी, सभी को पता है समाज सेवी जाए ये टोपी पहन के, अगर कोई और भी पहनता है तो ज्यादा नहीं तो 500 टोपियां होंगी जसवा परागपुर में, उसको देख के पता लग जाता है कि समाज सेवी ही होना चाहिए। चलो जो मर्जी बोलो, वैसे ही समाज सेवा की टोपी, हम समाज सेवा तो इसको करते हैं।